आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिलदानी माडा टैगलाइन लेकर अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर पंजाब इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी पहचान बनाने वाले पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर ने कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये खबर जिसने सुनी वो शॉक रह गया। उनके फैंस तो अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की डेथ नेचुरल नहीं बल्कि प्री प्लान्ड थी। देखिए रिपोर्ट। बस तक नहीं सी आउंदी, मैं उस पिंड चो आया ते गिणवे चुणवे इंजीनियर ने गिणवे चुणवे फौज भर्ती ने नॉर्मल जे घर तो आया, मेरा घर देख लो जाके। तो जे मैं अज इन्नी भीड़ चो निकल के कित खड़ागा तो मैं तुक्का नहीं लाया जा, मैं किसी को गाला कढ़ के नहीं आया। मेरा लॉट ऑफ हार्ड वर्क है। ये कोई किस्सा या स्टोरी नहीं बल्कि पंजाब के यूथ और यंग टैलेंट के स्ट्रगल की कहानी है जिसने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसने भी ये खबर सुनी और देखी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मानसा में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। चारों तरफ गोलियों की आवाज, कोई समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जब हमलावर भागे तो जिसने गाड़ी की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि गाड़ी के अंदर खून से लथपथ सिद्धू मूसेवाला अपने दो साथियों के साथ गाड़ी में पड़े थे। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस गन से मूसेवाला पर अटैक हुआ वो कोई आम बंदूक नहीं बल्कि AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल थी। दरअसल घटना स्थल से AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल की 3 गोलियां मिली हैं, जिससे इसका खुलासा हुआ है। और ये भी पता चला है कि इस हमले में 8 से 10 हमलावर शामिल थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर करीब 30 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत मिदु खेरा की 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगा और कहा गया कि मूसेवाला ने इस हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी। इसके बाद से जहां शगुनप्रीत सिंह फरार हो गया, बाद में कौशल गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त से सिद्धू मूसेवाला गोल्डी बराड़ा विश्वनोई गैंग के राडार पे थे। जैसे ही खबरों में सिद्धू मूसेवाला की मौत की पुष्टि हुई तो पंजाब सरकार पर भी सवाल उठने लगे क्योंकि ये घटना मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने के ठीक एक दिन बाद हुई। लेकिन इस घटना की साजिश कई महीनों से भारत और कनाडा में की जा रही थी। जब हत्या हुई तो चारों तरफ शोर था। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, पुलिस पर भी हत्यारों को ढूंढ निकालने का प्रेशर था। लेकिन कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ जिसने पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के कनाडा बेस्ड साथी गोल्डी बराड़ ने ली है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला लंबे वक्त से लॉरेंस विश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह विदुखेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया। इस साल फरवरी में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में मानसा में प्रचार के दौरान हर रैली और सड़क के किनारे की हर बैठक में वो दोहराते थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा और मैं यहीं मरूंगा। लेकिन आज जब सिद्धू पंचतत्व में विलीन हुए तो सबकी आंखें नम थी।
और माता पिता यही कहते रहे कि उनका आखिरी सहारा उनको छोड़कर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अपने गानों से पहचान बनाने वाले सिद्धू मूसेवाला आज हम सबके बीच नहीं रहे। हालांकि वजह कोई भी रही हो उनकी हत्या की, लेकिन आज सभी फैंस की आंखें उनकी याद में नम है और सभी उनकी हत्या की जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।